दिन के दौरान कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं हैं जो ज़्यादा कर सकती है और अपडेट भी काफी आई भी बताइए क्योंकि काफ़ी सारे खुल रहे हैं, खुले हुए हैं बाजार में जी बिल्कुल और इतने सारे आईपीओ अपडेट हो रहे हैं अर्निंग्स हो रही है तो हमें बहुत मुश्किल होता है सब चीज को एक साथ जोड़ के लाने का लेकिन यही हमारा काम है सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आईपीओ में ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आई जो है ओपन होने वाली है सब्सक्रिप्शन को लेके होनासा की आई यानी कि जो मामा अर्थ का ब्रांड है जो आप समझते हैं लेव एंड टर्म्स में वो के उसकी इश्यू कम जो है बंद हो चुकी है ओवरऑल तो आठ गुना सब्सक्राइब हुआ है लेकिन रिटेल में जो है 1.25 हुआ है पर ये एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ऑफकोर्स बाजार में जो है वैल्युएशन को लेकर जो है इसकी भी चर्चा चल रही है क्योंकि एक न्यू एज कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का कॉल कॉनकॉलवार यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफकोर्स उन्होंने कहा है जो फुल ईयर गाइडेंस होता है चौदह हज़ार करोड़ का प्री सेल्स का उसको वो क्रॉस कर सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है वही सफ़ायर की कॉन कॉल में देखें तो एक के और पिज्जा हट इन दोनों कंपनीज का इनके पास फ्रेंचाइजी रहता है और यहाँ पे के के लिए उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट के ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग बीस तक रह सकती है और KFC को के को लेकर डबल हो सकती है उनकी स्टोर काउंट अगले तीन साल में वही अगर पिज्जा हट की बात करें तो यहाँ पे भी वो डबल चाहते हैं स्टोर्स uh, करना लेकिन ये चार साल में होगा तीन साल में नहीं शर्मा एस जी एस की कॉनकॉल तो की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस में 35 परसेंट का सी का ग्रोथ लगाएगा और वित्त साल 2024 के लिए रेवेन्यू का 3000 करोड़ का अनुमान और एबिड्डा मार्जिन की बात करें तो लगभग 8.7 टू 9.2 परसेंट का बैंड दिया गया है एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी है एन सी रीजन में बात करें तो यहाँ पे जो है सेंटर की ऑर्डर आई कि जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क होती है आपके दिल्ली एनसीआर रीजन में उसको जो है बंद किया जाए अब ये एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है लेकिन कुछ कंपनियाज़ हैं जिनके इंफ्रा स्पेस में या रियलिटी स्पेस में काम चलती है तो उनको जो है एक सेंटिमेंटली नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिल सकता है जैसे कि अनंतराज मैक्स वेंचर्स एन बी सी सी और इवन डी एल एफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के भी जो है गुड़गांव एरियाज़ में जो है ज़्यादा एक्सपोजर भी देखने मिलेगा मंडा कॉप कोटक म्यूचुअल फंड ने लगभग चौदह लाख शेयर्स की जो है इंपॉर्टेंट बाइंग की है लैंडमार्क कार भी इंपॉर्टेंट होने वाला है अब इसका रीज़न ये है कि जो मर्सिडीज़ बैंस इंडिया के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि 2024 में भी जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा और सप्लाई इश्यूज होने के बावजूद और याद रखिए लैंडमार्क कार्स का लगभग पंद्रह मार्केट शेयर है और सबसे ज़्यादा कहेंगे रिटेलर्स में आपके मर्सिडीज़ बैंकस को कार्स लेके के पी आई एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें एक तो बड़ी ऑर्डर साइन की है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा बात एक करार किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जहाँ पे 500 मेगावाट का एक सोलर पा पार्क बनाने वाले हैं आखिर में अनुपम रसायन और आइनॉक्सवेंड ये दोनों स्टॉक्स भी रीज़न में रहेंगे फोकस में और इसका यही कारण है कि सात नवंबर को दोनों ही कंपनी फंड रेज करने की जो है विचार करने वाले हैं तो ओवरऑल देख रहे हैं गाइडेंसेज में अच्छी एक इम्प्रूवमेंट आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा जो है हमें रिएक्शन देखने मिल सकता है लेकिन जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है एनसीआर रीजन प्लेयर्स उन पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली जो नॉन एसेंशियल है वो बंद हो सकती है एंड ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन भी है तो उसके कारण भी थोड़ी जो है काम कम हो सकती है पर यह जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव रह सकता है ओके okay, शुक्रिया शरद लंबी लिस्ट में से आप दस चुन कर लाए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आज के लिए दिन के दौरान रह सकती है चलिए वक्त